बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर FIR दर्ज की गई है। तो रेलवे पुलिस की शिकायत पर ओडिशा GRP ने दर्ज की है ये FIR। FIR में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई, दूसरों की जिंदगी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धारा है। हादसे की जांच के लिए FIR को अपने हाथ मिलेगी CBI। हादसे के लिए जिम्मेदार किसी रेल कर्मचारी का नाम अब तक इसमें नहीं है। जांच में सामने आएगा कि जिम्मेदार शख्स आखिर था कौन। तो यहां आपको बता दें कि इसकी जांच CBI से कराने की घोषणा रेल मंत्री ने की थी, लेकिन अब इस मामले में एक FIR दर्ज हुई है जिसमें दूसरों की जिंदगी खतरे में डालने की धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन कौन है जिम्मेदार उस शख्स का नाम नहीं है क्योंकि इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं। नीता, इस FIR पर पूरी खबर दें। शारीक, ये नॉर्मल एक प्रोसीजरल कार्रवाई जो है वो GRP ने की है। जब इस तरह की घटना होती है तो जो एक लोकल थाना लगता है रेलवे पुलिस का, वहाँ पर ये मामला दर्ज किया जाता है। उसी के तहत उड़ीसा की जो GRP है उसने ये मामला दर्ज किया है। लेकिन क्योंकि जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो एक्चुअल में जो अभी तक जो रेलवे बोर्ड की जांच में ये सामने आया है कि जो रूट कॉज है, तीन जो ट्रेन्स कोलाइड की थी उसके कारण इंटरलॉकिंग जो है वो जिम्मेदार है, जो ऑपरेशनल सिग्नलिंग सिस्टम जो उस स्ट्रेच में काम कर रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है। उनका ये कहना था कि रेलवे बोर्ड ने जो अपनी अंदरूनी जांच की है उसमें इस बात का खुलासा भी हुआ है कौन जिम्मेदार है, उसकी पहचान हो गई है। लेकिन क्योंकि ये मामला अब CBI को दिया जाएगा क्योंकि अब ये क्रिमिनल केस है, तो CBI जो है इस मामले की अब जांच जो है वो करेगी। बहरहाल GRP ने जो शुरुआती जांच है वो शुरू कर दी है, लेकिन जल्द ही इस मामले को जो टेक ओवर है वो CBI कर लेगी। शारिक, CBI इस तरह के हादसों में पिछली बार कब उसने किया होगा जांच, अगर सबोटाज नहीं है तो? ये एक नई खबर है ना नीता? बिल्कुल, इससे पहले एक ही बार मेरे ख्याल से CBI ने इस तरह का जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला जो था वो रजिस्टर किया था और जांच की थी। ये सेकंड ऐसा केस है जो रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का कहना है। लेकिन क्योंकि खुद मंत्री साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से भी कोताही की जो बात है वो सामने आई है, इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है उसमें कोताही की बात सामने आई है, तो सैबोटाज की जो एक लेयर है उसकी जाँच जो है वो अब CBI भी करेगी।